मानसूनी प्रदेश आसाम वन संपदा से भरपूर है और इसमें पाया जाने वाला बांस फर्नीचर बनाने वालों में और हस्तशिल्पियों में मशहूर है। 1999 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से पुरस्कृत श्री मनेंद्र डेका जी आज हमारे साथ हैं और हमें बताएंगे कि इसी बांस से टेबल लैंप कैसे बनाया जाता है। मैं असम से आई हूँ। मेरा नाम श्री मानेंद्र डेका, मेरा डिस्ट्रिक्ट बरपेटा। मेरा बड़ा भाई भी यही काम करता है, मेरा छोटा भाई भी यही काम करता है, मेरा गुरुजी है मेरा मामा जी, मैं मामा जी के साथ पूरा सीखा है। मैं 12 साल से यही काम करता है और 91 में यही बेम्बू से ऊपर मेरा बाईसाइकिल पर 91 में नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट मिला। इस रिश्का पर तो 99 में नेशनल अवार्ड मिला है। बांस से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने में मनेंद्र डेका का कोई जवाब नहीं है। अभी ये आपके सामने एक लैंप शेड बनाने जा रहे हैं। इसे बनाने के लिए बांस के जिस टुकड़े को लिया जाता है, पहले उसकी गांठें काट ली जाती हैं, फिर बांस की पतली पतली डंडियां बनाई जाती हैं। इन डंडियों को बनाने का एक विशेष तरीका होता है। चाकू को बांस के बीच में रखकर हाथ से दबाया जाता है, इससे वह आसानी और सही ढंग से कट जाता है। 3-4 हिस्से करने के बाद इसे पतली पतली डंडियों के रूप में सफाई से काट लिया जाता है। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए मुख्यतः बांस के बाहरी छिलके का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होता है। यह जो लैंप शेड बन रहा है, छीलकर मुलायम किए गए छिलके से ही बनाया जा रहा है। लैंप की मजबूती के लिए फ्रेम की चारों डंडियों को मोटा रखा जाता है। डंडियों का नाप एक बराबर काटा जाता है। लैंप की बनावट सुंदर रहे, इसके लिए कटाई में सावधानी रखनी पड़ती है। काटने के बाद इसे फेविकॉल से जोड़ दिया जाता है। फ्रेम मजबूत बने, इसके लिए बांस की ही कीलों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बड़ा फ्रेम नीचे के हिस्से के लिए और छोटा फ्रेम ऊपर के लिए तैयार हो गया। फ्रेम की मजबूती के लिए मशीन से छेद करके बांस की कीलें भी लगा दी जाती हैं।
ऊपर और नीचे के फ्रेम को जोड़ने के लिए बांस की डंडियों को त्रिकोणीय आकार में काटकर जोड़ा जाता है। मजबूती के लिए कभी कभी लोहे की कीलों का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह लैंप का फ्रेम बनकर तैयार हो गया। फ्रेम के ऊपर एक ही आकार के चारों किनारों पर छोटे छोटे बांस के टुकड़े जोड़ दिए जाते हैं। इसकी सुंदरता और बढ़े इसके लिए बांस की डंडियों को विभिन्न आकार में काटकर एक छतरी के रूप में तैयार कर लिया जाता है और इसे फेविकोल और कीलों की मदद से जोड़ दिया जाता है। फ्रेम के चारों ओर बांस की चटाई को बराबर रूप से काटकर गोंद अथवा फेविकोल से चिपका दिया जाता है।
लैंप को सजाने के लिए बांस के ही छिलकों को विभिन्न रंगों में रंगकर इसकी किनारियों पर यह लगा दिया जाता है। लैंप की छतरी पर भी उसी प्रकार बांस की चटाई लगा दी जाती है। ये दिखने में और सुंदर लगे इसके लिए इसके सर पर एक छोटी गोल आकार की गुट्टी टोपी के रूप में लगा दी जाती है। लैंप का स्टैंड गोल बांस का होता है जिसे आग में सेक कर रंग दिया जाता है। रंग के बाद इस पर विभिन्न प्रकार की कारीगरी की जाती है। स्टैंड के निचले हिस्से को स्थिरता देने के लिए इसके तल पर प्लाईवुड लगाया जाता है जिससे यह इधर उधर ना गिर सके। Thank you.
इस प्रकार एक अथक मेहनत सुंदर लैंप तैयार हो गया। इस पर चाहे तो चमक लाने के लिए पॉलिश भी की जा सकती है। मनेंद्र डेका द्वारा तैयार ये सुंदर वस्तुएं मन को लुभाते हुए दिन प्रतिदिन काम में लाने के लिए तैयार हैं।